सीबीआई की तरफ से जांच चल रही है तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हर तरफ नजर आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता में बंगाल बंद का आह्वान किया, 12 घंटे के लिए नाबन्ना अभियान का आह्वान किया और इस दौरान रेल सेवाओं से लेकर बस सेवा से लेकर तमाम अन्य सेवाओं को बंद करने का आह्वान बीजेपी की तरफ से किया गया। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि सच सामने आए, बल्कि माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी ने कहा कि सरकार को इस्तीफा सौंप देना चाहिए, अगर कानून व्यवस्था सरकार से नहीं संभल पा रहा, अगर बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही बंगाल की सरकार, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मांग को लेकर विरोध करते भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर आए। हालांकि 6000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात नजर आए और ये 6000 पुलिसकर्मियों ने लाठी भी चार्ज किया प्रदर्शन के दौरान, जब लगातार प्रोटेस्ट बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था। इन सब के बीच सवाल ये है कि जब ये 6000 पुलिसकर्मी प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज करने के लिए आ सकते हैं, तो उस दिन जब बाइक पर संजय और सौरभ उसका दोस्त नशे में रेड लाइट एरिया में जा रहे होते हैं, तो ये पुलिस कहां होती है, ये भी आपको बताएंगे कि आखिर इस बात का जिक्र इस वीडियो में क्यों किया गया है। 9 अगस्त की वो काली सच्चाई, वो काली रात जब जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया गया और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। सीबीआई पूछताछ में कई मामलों का खुलासा हुआ है, कई बातों का खुलासा हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बंगाल बंद का असर काफी ज्यादा नजर आया। बंगाल के हर कोने में ये कुछ तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की तस्वीर है जो बीजेपी की तरफ से की जा रही थी और इस बीच लाठी चार्ज भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, कुछ नेताओं पर किया गया। तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी का ये कहना है कि बीजेपी किस मुंह से सरकार का इस्तीफा मांग रही है, जब बीजेपी शासित राज्यों में रेप की घटनाएं होती हैं तब सरकार की तरफ से क्यों नहीं कुछ बोला जाता, बंगाल में इस घटना के बाद आखिर क्यों बीजेपी इस्तीफा मांग रही है, क्या बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। यूपी एमपी का जिक्र किया, राजस्थान का जिक्र किया और महाराष्ट्र का जिक्र अभिषेक बनर्जी ने कहा, उन्होंने क्या कुछ कहा इसके आगे वो भी आपको सुनाते हैं। কংগ্রেস খালি করে মহিলাদের মান সম্মান সম্ভ্রম 2000 টাকার বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে দিল্লির বুকে বিক্রি করেছে, তাদের নারী সুরক্ষা নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই, যাদের আমলে উন্নত হয়েছে, কাঠুয়া হয়েছে, হাতরাস হয়েছে, বদলপুর হয়েছে, সেই নারী বিরোধী নারী বিদ্বেষী ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে বাংলার মানুষকে রাজনীতি করা শিখতে হবে না। তো শুনা আপনি, অভিষেক বনার্জি ये नहीं कह रहे कि कोलकाता में क्या हुआ, उनका ये कहना है कि बीजेपी किस मुंह से इस्तीफा मांग रही है, जब बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो मौन क्यों रहती है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती कि इस पूरे मामले में न्याय हो, बीजेपी नहीं चाहती कि सच सामने आए, बल्कि बीजेपी साजिश रच रही है और पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, वो भी सुन लीजिए कि आखिर ममता बनर्जी ने क्या कहा। 16 दिन हो गए लो, कोथाय गेलो विचार, विचार चाहते होवे, बोलते होवे, विचार चाहे, विचार चाहे, जवाब दो सीबीआई। तो सुना आपने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की तरफ से क्या कुछ कहना सामने आ रहा है, हालांकि इनकी अपनी बातें हैं, लेकिन इन सबके बीच ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो अभियान आज बीजेपी ने छेड़ा है, नाबन्ना अभियान, इसका मतलब क्या है। दरअसल 2013 में एक बिल्डिंग जो है हावड़ा में बनाई गई, इस बिल्डिंग का जो 14वां फ्लोर है यहाँ पर ममता बनर्जी का ऑफिस है और लगभग बताया जाता है कि 13वें फ्लोर पर होम सेक्रेटरी और चीफ बैठते हैं, चौथे पांचवें मंजिल पर सरकार के अलग अलग विभाग हैं। इस भवन तक मार्च बीजेपी को निकालना था लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और लगातार उन्हें रोकने के साथ साथ लाठी चार्ज भी किया गया और इसीलिए बीजेपी ने उस बिल्डिंग तक पहुंचने का जो लक्ष्य तय किया था ताकि वो जवाब ले सरकार से, सरकार के जो कर्मचारी हैं उनसे जवाब ले कि आखिर वो क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले में। तो ये है अभियान जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और जिसकी तस्वीर सुबह से ही आ रही है, ये है वो विरोध प्रदर्शन की सच्चाई। लेकिन अब हम बात करेंगे 9 अगस्त की उस काली रात की, जिस दिन कोलकाता मामले में जूनियर डॉक्टर का रेप किया गया और मर्डर किया गया।
जब पूछताछ हुई संजय रॉय से तो उसने बहुत सी बातें कबूली हैं। संजय रॉय ने यह तक कहा कि उसी ने मर्डर किया है जूनियर डॉक्टर का। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें यह भी पता चला है कि संजय रॉय ने कहा कि जब वो चिल्ला रही थी तो वो नहीं चाहता था कि उसकी आवाज बाहर तक जाए और उसके पास जितनी ताकत थी उसने उस पूरी ताकत का इस्तेमाल उस जूनियर डॉक्टर पर किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। ये रही बात मर्डर की। हालांकि रेप को लेकर अभी भी यही असमंजस की स्थिति और यही विचार किया जा रहा है कि क्या सिर्फ रेप है ये या गैंग रेप है। तो इस पूरे मामले में अब सीबीआई एम्स की मदद लेने वाली है और एम्स से जितने भी सबूत अब तक इकट्ठा किए गए हैं उन सबूतों को फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है या फिर जो भी टेस्ट किए गए हैं अब तक संजय रॉय के और तमाम चीजों के उन सारे रिपोर्ट्स को सीबीआई एम्स के सामने रखेगी, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये रेप है या गैंग रेप है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन 9 अगस्त को अगर हम देखें तो पूरा वाक्या क्या था ये भी सामने आ चुका है। दरअसल लगभग 11 बजे की रात थी 8 तारीख के, जब संजय रॉय और उसका एक दोस्त सौरभ नाम का दोनों हॉस्पिटल गए थे। संजय रॉय का ये कहना है कि सौरभ का जो छोटा भाई है वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे देखने के लिए संजय रॉय और सौरभ दोनों ही अस्पताल जाते हैं और यहां पर उसके भाई को देखने के बाद दोनों ये प्लान बनाते हैं कि आज शराब पिएंगे। दोनों शराब पीने के लिए, बियर पार्टी करने के लिए थोड़ी ही दूर पर जाते हैं अस्पताल से और वहां दोनों बियर पीते हैं, शराब पीते हैं। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो रेड लाइट एरिया जाएंगे और दोनों ने ही 1 किलोमीटर की दूरी पर सोनागाछी नाम का एक रेड लाइट एरिया है, वहां पर जाना तय किया। लेकिन सोनागाछी में जब इनकी बात नहीं बनी किसी भी सेक्स वर्कर के साथ तो इनके अंदर गुस्सा था, आक्रोश था, तो ये निकल गए 15 किलोमीटर दूर एक और रेड लाइट एरिया में। इस बीच संजय रॉय का एक जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है, जिसमें वो बाइक पर बैठा है और सीबीआई से पूछताछ में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसने भी इस बात को कबूला है कि जब वो उस बियर पीने के बाद सोनागाछी गए, सोनागाछी से जब वो दूसरे रेड लाइट एरिया जा रहे थे इस बीच उन्होंने रास्ते में एक लड़की को भी छेड़ा और उसे अपशब्द भी कहा। तो सोचिए जब ये लोग दारू पीकर जा रहे थे दूसरे रेड लाइट एरिया में उस वक्त पुलिस कहां थी, उस वक्त क्यों नहीं देखा गया कि कौन ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, कोई चेक पोस्ट क्यों नहीं वहां पर लगा था। हालांकि सवाल तो कई सारे खड़े होते हैं। उसके बाद जब वहां पर भी दूसरे रेड लाइट एरिया में भी संजय की बात नहीं बनी, हालांकि उसका दोस्त उसकी दोस्त की एक से डील हो गई थी लेकिन संजय रॉय की डील नहीं हुई, तो संजय रॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और उसे अश्लील फोटोज और वीडियोस मांगने लगा। जब गर्लफ्रेंड ने भी उसकी बात नहीं सुनी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, आक्रोश में था। सौरभ और संजय दोनों उस रेड लाइट एरिया से निकलते हैं और अचानक से सौरभ को याद आता है कि उसे उसके छोटे भाई से कुछ पैसे लेने हैं। दोनों आते हैं आरजीकल मेडिकल कॉलेज और दोनों आने के बाद सौरभ अपने छोटे भाई से मिलता है और चला जाता है, लेकिन संजय रॉय नहीं जाता। संजय रॉय कुछ देर बाद जाता है सीधे 4th फ्लोर पर जहां ऑपरेशन थिएटर था, वहां कुछ वक्त बिताता है और कुछ समय बाद उसे 3rd फ्लोर पर देखा जाता है जहां सेमिनार हॉल था। सेमिनार हॉल की तरफ वो जाता हुआ नजर आता है और तब तक सुबह हो चुकी होती है और जब उसे वापस आते हुए देखा गया उसके कुछ समय बाद ही ये पता चला कि वहां एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कि जूनियर डॉक्टर की थी। इस पूरे वाक्या को तो आपने समझ लिया, सवाल ये है कि ऑपरेशन थिएटर वो पहले क्यों गया और वो इस तरीके से जाता हुआ सेमिनार हॉल में नजर आ रहा है जैसे मानो कि उसे पहले से ही पता था कि कोई वहां पर है। चोरी चुपके से जाता हुआ वो नजर आता हुआ दिखाई दिया सीसीटीवी कैमरे में, जैसे वो नजरें चुरा रहा हो। तो क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है इस पूरे मामले में, ये कह पाना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हर किसी को न्याय का इंतजार है। फिलहाल सीबीआई लगातार जांच कर रही है, सीबीआई ने तमाम जितने भी चीजों को इकट्ठा किया है अब तक इस पूरे मामले में उन तमाम चीजों के दम पर, उन तमाम चीजों की मदद से आगे जांच को बढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या था उस रात को। तो ये तो बात हो गई कि 9 अगस्त की रात क्या कुछ हुआ था। सीबीआई से बातचीत में संजय रॉय ने यह कबूला है कि उसी ने मर्डर किया था जूनियर डॉक्टर का और साथ ही उसने ये भी कहा था कि आखिर उसने मर्डर तक क्यों इस बात को पहुंचाया। तीसरी चीज ये कि अब एम्स की क्योंकि सीबीआई मदद लेने वाली है तो और भी बातें सामने आ जाएंगी कि आखिर ये रेप है या गैंग रेप है। हालांकि एक दुखद बात तो ये भी है कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उन्हें ये कहना पड़ा कि इनफ इज इनफ,
महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर एक न्यूज एजेंसी से इंटरव्यू के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं के साथ जो ये अपराध हो रहा है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब इस पर कंट्रोल लगाने की जरूरत है। इस तरह की वारदात झकझोर देती है, इस तरह की वारदात सवाल खड़े करती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि अब इस पर निर्णय लेने की जरूरत है, अब इस पर कठोर होने की भी जरूरत है, ऐसा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी भी क्योंकि जांच चल ही रही है तो इंतजार करना होगा सच के सामने आने का। लेकिन इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी कई वीडियोस के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें।